In this video, we will do chapter number 10 of Honeycomb The Story of Cricket. I'll be explaining the chapter in Hindi. After that, we will do the question answer of the chapter. Cricket grew out of many stick and ball games played in England 500 years ago. The word bat is an old English word that simply means stick or club. By the 7th century, Cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game. Till the middle of the 18th century, bats were roughly the same shape as hockey sticks, curving outwards at the bottom. There was a simple reason for this the ball was bowled underarm along the ground, and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making contact. क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में 500 साल पहले बहुत सारे छड़ी और गेंद के गेम से हुआ था शब्द बैट एक पुराना अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब होता है छड़ी या क्लब सत्रहवीं शताब्दी तक आते आते क्रिकेट एक पहचाने जाने वाले अलग गेम के रूप में प्रचलित हो गया था 18वीं शताब्दी के मध्य तक बल्ले नीचे से हॉकी स्टिक की तरह मुड़े हुए होते थे इसका साधारण सा रीज़न यह था कारण यह था कि गेंद हाथ के नीचे से फेंकी जाती थी और बल्लेबाज के पास सबसे अच्छा बल्ला मुड़े होने के कारण उसे मारने का सबसे अच्छा रास्ता होता था One of the per peculiarities of cricket is that the, a test match can go on for five days and still end in a draw. No other modern team sports take even half as much of time to complete. A football match is generally over in an hour and a half. Even baseball completes nine innings in less than half the time that it takes to play a limited overs match, the shortened version of modern cricket. एक प्रमुख चीज़ जो क्रिकेट के बारे में है वो है टेस्ट मैच जो कि पांच दिन तक चलता है और फिर भी बिना नतीजे के समाप्त हो जाता है कोई भी ऐसा खेल नहीं है जो इसका आधा भी समय लेता हो एक फुटबॉल का खेल सामान्यतः डेढ़ घंटे में ख़त्म हो जाता है यहाँ तक कि एक बेसबॉल की नौ इनिंग्स नौ पारियाँ इससे आधे समय में पूरी हो जाती है जितने समय में एक पचास ओवर का मैच होता है जो कि क्रिकेट का सबसे छोटा वर्जन था अनदर क्यूरियस करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिकेट इज दैट द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड ट्वेंटी बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट मोस्ट अदर टीम्स स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशन ऑफ द प्लेइंग एरिया क्रिकेट डज नॉट ग्राउंड कैन बी ओवल लाइक द एडिलेड ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक चेपक इन द चेन्नई अ सिक्स एट द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड दैन इट डा कोटला इन दिल्ली एक दूसरा प्रमुख चीज जो क्रिकेट के बारे में है कि इसकी पिच की लंबाई तो तय है कि वो बाईस कदम होगी लेकिन मैदान के आकार के बारे में कोई भी नियम नहीं है ज़्यादातर दूसरे खेल जैसे कि हॉकी या फुटबॉल में खेलने के मैदान का एक निश्चित पैमाना होता है लेकिन क्रिकेट में नहीं होता मैदान अंडाकार हो सकते हैं जैसे कि एडिलेड में ओवल है या फिर गोल हो सकते हैं जैसे कि चेन्नई में चेपक है मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में एक छक्का मारने के लिए ज़्यादा दूरी तय करनी होती है Firocia, Kotla, Delhi. There is a historical reason behind both these oddities. Cricket was earliest modern team sports to be confided. The first written laws of cricket were drawn up in seventeen forty four. They stated the principal shall choose from the among us the gentlemen present two umpires who shall absolutely decide all the disputes. The stumps must be twenty two inch high and the bale across them six inches.

खेल है जिसके बारे में लिखा गया था पहला लेख जो क्रिकेट के कानून के बारे में है वो 1744 में लिखा गया था वह कहता है कानून कहता है कि दो व्यक्तियों का अंपायर के रूप में चुनाव होगा जिनका निर्णय अंतिम होगा विकेट 22 इंच की लंबाई के होंगे और उन पर बेल 6 इंच की बॉल का का वजन से औंस होगा और दो नो विकेट के बीच में बाईस गज की दूरी होगी दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बलडन में 1760 में और मेरेबॉर्न क्रिकेट क्लब सत्रह में बनाया गया था सत्रह ड्यूरिंग The 1760 and 1770 it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground. This, cha this change gave bowlers the option of length deception through the air. Plus increased pace. It also opened new possibilities for spin and swing. In response, batsmen had to master timing and short selection. One immediate result was the replacement of the curved bat with the straight one. The weight of the ball was limited to between 5.5 to 5. Quarter ounce, five by three fourth ounce, and the width of the bat four inches. In 1774, the first leg before law was published. Also around this time, a third stump became common. By 1780s, three days had become the length of major match, and this year also saw the creation of the first six seam cricket ball. 1760 सौ साठ और 1770 सौ सत्तर के बीच में बॉल को ज़मीन पर लुढ़काने की बजाय पटकना शुरू किया गया इससे बल्लेबाजों को इससे गेंदबाजों को काफ़ी तरीके मिल गए जैसे कि गेंद की लंबाई और हवा में धोखा देना इससे गति भी बढ़ गई इससे नए ऑप्शन भी खुले जैसे कि स्पिन और स्विंग इसके बदले में बल्लेबाजों को अपनी टाइमिंग और अपने शॉट का चुनाव करना सीखना पड़ा जिसका एक तुरंत रिजल्ट यह हुआ कि नीचे से मुड़े हुए बल्ले की बजाय सीधे बल्ले का इस्तेमाल होने लगा गेंद का वजन अब साढ़े पाँच से पाँच दशमलव सात पाँच आउंस तक होने लगा और बल्ले की चौड़ाई चार इंच तक निर्धारित कर दी गई सत्रह में पहला पग बाधा का नियम छापा गया और इसी समय बीच में एक तीसरा विकेट लगाने की परंपरा भी शुरू हुई 1780 में खेल तीन दिनों का होने लगा ज्यादातर मैचों में और इसी साल में छ सिलाई वाली गेंद का इस्तेमाल शुरू हुआ If you look at the game's equipment, you can see how cricket both changed with changing times and yet fundamentally remained true to its original and in rural England. Cricket's most important tools are all made of natural pre industrial materials. The bat is made with leather, twine, and cork. Even today, both bat and ball are handmade, not industrially manufactured. The material of the bat changed slightly over time. वंस इट वॉज कट आउट ऑफ सिंगल पीस ऑफ वुड नाउ इट कंसिस्ट ऑफ टू पीसेज द ब्लेड विच इज मेड आउट ऑफ द वुड एंड द विो ट्री एंड देंडल्ड विच इज मेड आउट ऑफ केन दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनिस्ट एंड ट्रेडिंग कंपनीज इस्टेब्लिश दमसेल्फ इन एशिया अगर आप इस खेल के उपकरणों के बारे में देखें तो आपको पता चलेगा कि कैसे दोनों समय के साथ बदलते गए लेकिन फिर भी इनमें इंग्लैंड के गांव की परंपरा जारी रही क्रिकेट के ज़्यादातर महत्वपूर्ण उपकरण प्राकृतिक या इंडस्ट्रीज से पहले की चीज़ों से बनते हैं बल्ला चमड़े कॉर्क और लकड़ी का बना होता है यहाँ तक कि आज भी बल्ले और गेंद हाथ से बनाए जाते हैं व्यावसायिक उत्पादन नहीं होता फैक्ट्रियों में बल्ले और बल्ले का बनाने का मटेरियल समय के साथ थोड़ा चेंज हो गया है पहले ये केवल एक ही लकड़ी से बनता था लेकिन अब ये दो टुकड़ों में बनता है ब्लेड जो कि बल्ले का नीचे का भाग होता है लकड़ी से बनता है जो पेड़ से आती है और हैंडल बांस का बनता है यह तब उपलब्ध हुआ जब यूरोप के लोगों ने एशिया में आकर इन्हें बनाना शुरू किया अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस क्रिकेट हैज़ रिफ्यूज टू रीमेक इट्स टूल विद इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटीरियल्स प्लास्टिक फाइबर ग्लास एंड मेटल हैव बीन फर्मली रिजेक्टेड गोल्फ टेनिस की तरह क्रिकेट ने अपने उपकरण इंडस्ट्रियों में या फिर मनुष्यों द्वारा बनाए हुए पदार्थों से नहीं बनाया है जैसे कि प्लास्टिक फाइबर ग्लास या फिर धातु इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं होता बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजीज चेंज द इन्वेंशन ऑफ वुल्कनाइज रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848 एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स सून आफ्टरवर्ड्स एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनगेमिंगल विदाउट हेलमेट्स मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटीरियल्स लेकिन जहाँ तक सुरक्षा उपकरणों की बात है क्रिकेट में नई तकनीकों का इस्तेमाल होने लगा है जैसे कि रबर की खोज के बाद पैड अठारह में पैड उनसे बनने लगे और थो, थोड़े समय बाद दस्ताने भी बनने लगे और आज का खेल बिना हेलमेट के नहीं सोचा जा सकता जो कि धातु और हल्के पदार्थों से बने होते हैं हल्की धातुओं से बने होते हैं The origin of Indian cricket are to be found in Bombay and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrians the Parsis brought into close contact with British because of their interest in trade the first Indian community to westernize the the Parsis founded the first Indian cricket club the Oriental Cricket Club in Bombay in 1848 Parsi club were founded एंड स्पॉन्सर्ड बाई फारसी बिजनेसमैस लाइक द टाटाज एंड वाडियाज भारत में क्रिकेट की शुरुआत मुंबई से हुई थी और पहली जाति जिन्होंने इसे खेल को बढ़ावा दिया था वो थे ज़ोरोस्ट्रियंस जो कि पारसी थे अपने व्यवसाय में इंटरेस्ट की वजह से वो ब्रिटिश लोगों के बहुत करीब थे और उन्होंने पहला भारतीय क्रिकेट क्लब बनाया ओरिएंटल क्रिकेट क्लब जो कि 1848 में मुंबई में बना था पारसी क्लब को बनाने और उसको पैसे देने में पारसी व्यापारी जैसे कि टाटा और वाडिया सबसे आगे थे द वाइट क्रिकेट एलिट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द पारसीज इन फैक्ट देर वॉज अ कोरल बिटवीन द बम्बई जिमखाना a white-only club, and Parsi cricketers over the use of a public park. The Parsis complained that the park was left unfit for cricket because the polo ponies of the Bombay Gymkhana dug up the surface. When it became clear the, that colonial authorities were prejudiced in favor of the white compatriots, the Parsis built their own Gymkhana to play cricket in. लेकिन भारत में अंग्रेज़ों ने पारसियों की कोई मदद नहीं की बल्कि उनके बीच में बॉम्बे जिमखाना क्लब को लेकर झगड़ा होता था जो कि केवल अंग्रेज़ों का क्लब था पारसियों की शिकायत ये थी कि पार्क क्रिकेट के लिए ठीक नहीं रहता क्योंकि वहाँ पर पोलो खेले जाने से घोड़ों के पैरों के निशान बन जाते हैं और उनमें गड्ढे हो जाते हैं जब यह साफ हो गया कि वहाँ की अथॉरिटीज अंग्रेज़ों की ही मदद करेंगे तब पारसियों ने अपना खुद का जिमखाना बना लिया क्रिकेट खेलने के लिए द राइवलरी बिटवीन द पारसी एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर दीज पाइन ईयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेटर क्रिकेट अ पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1889। जस्ट फोर ईयर्स आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन एटीन एटी फाइव एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज लकी टू हैव अमंग्स इट्स अर्ली लीडर्स द ग्रेट पारसी स्टेट्समैन एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नेहरू जी पारसियों और बॉम्बे जिमखाना के बीच में ये प्रतिद्वंदता एक खुशनुमा माहौल में खत्म हुई एक पारसी टीम ने अठारह में बॉम्बे जिमखाना क्लब को हरा दिया इसके चार साल बाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी गई अठारह में एक संस्था जिसके पास पारस, एक पारसी दादा भाई नेहरू जी जैसे व्यक्ति थे मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल प्लेट बिटवीन नेशनल टीम्स द प्लेयर्स हु बिकेम फेमस हु लिव On in the memories of cricket's public are those who have played for their country. The players Indian fans remember even now are those who were fortunate enough to play Test cricket. C.K. Naidu, an outstanding Indian batsman of his time, lives on the in the popular imagination when some of his great contemporaries like Palvankar Vithal and Palvankar Ballu have been forgotten. Even though Naidu was a past.

में से एक हैं इंडियन टेस्ट क्रिकेटर सी के नायडू जो कि एक बहुत ही उत्तम बल्लेबाज थे अपने समय के जिन्हें लोग अभी भी याद रखते हैं लेकिन कुछ और अच्छे खिलाड़ी जैसे पलवंकर विठ्ठल और पलवंकर बल्लू को लोग भूल गए नायडू भारत के उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत के लिए पहला टेस्ट मैच खेला था इंग्लैंड के खिलाफ 1932 में, और वह भारतीय टेस्ट टीम के पहले कप्तान थे इसीलिए लोग उन्हें अब तक याद करते हैं और उनका नाम इतिहास में है इंडिया एंटर्ड वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932, अ और डेकेड एंड हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन this was possible because test cricket from its origin in 1877 was organized as a contest between different parts of the british empire, not sovereign nations. the first test was placed between england and australia when australia was still a white settler colony. similarly, the small countries of the caribbean that together make up the west indian team were british colonies still well after the second world war. टेस्ट क्रिकेट पहली बार 1932 में खेला था आज़ादी से लगभग एक दशक पहले लगभग डेढ़ सौ साल पहले जबकि यह आज़ाद हुआ यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि टेस्ट क्रिकेट अठारह में शुरू हुआ था और इसे एक खेल की तरह शुरू किया गया था सारे उन देशों में जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे पहला टेस्ट ब... इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था जबकि ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजों के अधीन था इसी तरह छोटे देश जैसे कि कैरेबियन ने मिलकर एक वेस्ट इंडीज टीम बनाई थी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जब वो अंग्रेजों के गुलाम थे टेलीविजन कन्वर्ज चेंज क्रिकेट इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू द स्मॉल टाउन्स एंड विलेज इट आल्सो ब्रॉड एंड क्रिकेट सोशल बेस चिल्ड्रन हैड नेवर प्रीवियसली हैड द चांस टू वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज दे लिव्ड आउटसाइड द बिग सिटीज लर्न बाय इमिटेटिंग देयर टीवी ने क्रिकेट में बहुत बदलाव लाया इससे क्रिकेट की पहुंच उन लोगों तक भी पहुंच गई जो छोटे शहरों या गाँव में रहते थे जिसकी वजह से क्रिकेट बहुत लोकप्रिय हो गया बच्चे जिन्होंने कभी भी एक अंतर्राष्ट्रीय खेल नहीं देखा था और जो कि बड़े शहरों में नहीं रहते थे वो भी अब क्रिकेट देख सकते थे और अपने हीरो की नकल कर सकते थे द टेक्नोलॉजीज ऑफ सैटेलाइट टेलीविज़न एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टी नेशनल टेलीविज़न कंपनीज क्रिएटेड अ ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉचड लाइव इन सूरत सिंस इंडिया हैड द लार्ज लार्जेस्ट व्यूअरशिप फॉर द गेम अमंग क्रिकेट प्लेइंग नेशंस एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड द गेम्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया दिस शिफ्ट वॉज सिंबलाइज बाई दिफ्टिंग ऑफ आईसी हेडक्वार्टर फ्रॉम लंडन टू टैक्स फ्री दुबई सेटेलाइट टी वी और पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय टीवी कंपनियों की पहुंच के कारण क्रिकेट पूरे विश्व में फैल गया सिडनी हो में होने वाला मैच अब सूरत में देखा जा सकता था क्योंकि भारत क्रिकेट खेलने वाले देशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश था और सबसे बड़ा बाजार भी था क्रिकेट खेलने वाले देशों में इसलिए कुछ समय बाद यह खेल भारत की ओर शिफ्ट होने लगा और इसका केंद्र साउथ एशिया बन गया इस बात को इसी बात से समझा जा सकता है कि आईसीसी ने अपना मुख्यालय लंदन से दुबई में शिफ्ट कर दिया जो कि एक टैक्स फ्री देश था वन हंड्रेड एंड फिफ्टी ईयर्स अगो द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स द दार्सीज हैड टू स्ट्रगल टू फाइंड एन ओपन स्पेस टू प्ले इन टूडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम मैन फ्रॉम होम द वर्ल्ड इज अ स्टेज दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर चेंजेस द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली एमेचर by the paid professional this trump of one day game as it overshadowed the test cricket in terms of popularity and the remarkable change in global commerce and technology 150 साल पहले जो भारतीय पारसी जिन्हें खुले मैदान में खेलने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था आज पूरे विश्व में भारतीय खिलाड़ी सबसे ज्यादा पैसा पाने वाले और सबसे ज्यादा ख्याति पाने वाले खिलाड़ी हैं पूरे खेल में यह बदलाव थोड़े थोड़े, थोड़े बदलावों से आया और अब यह सबसे ज्यादा पैसा पाने वाले पेशेवर खिलाड़ी हैं एक दिवसीय क्रिकेट ने टेस्ट क्रिकेट को पीछे छोड़ दिया है लोगों की लोकप्रियता के मामले में और इससे विश्व के व्यापार में और तकनीकों में काफी बदलाव आए हैं दिस कम्प्लीट्स योर चैप्टर नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर फॉर दिस पेज नंबर 143 फोर्टी थ्री कॉम्प्रीएंशन चेक क्वेश्चन नंबर वन द क्रिकेट इज ओरिजिनली इंडियन गेम ब्रिटिश गेम इंटरनेशनल गेम मार्क द राइट आंसर द करेक्ट आंसर इज क्रिकेट इज ओरिजिनली अ ब्रिटिश गेम टू there is a historical reason behind both these oddities. in the preceding two paragraphs find two words, phrases that mean the same as "oddities." the answer is "peculiarities" and "curious characteristics." third. how is a cricket bat different from a hockey stick? in early days cricket bat and hockey stick had very slight difference now hockey stick is made of a single piece of wood and curved at bottom while cricket bat is flat and straight and made up of two pieces the blade and the handle. comprehension check two page number 146 write true or false against each of the following sentences india joined the world of test cricket before independence true. The colonizer did nothing to encourage the Parsis in playing cricket. True. Balvankar Ballu was India's first test captain. False. Australia played its first test against England as a sovereign nation. That's false. Comprehension check 3, page number 146. A professional cricket player is one who makes a living by playing cricket. Find the opposite of professional in the last paragraph. Amateur. In the Trump. Of the one day game. Trump means the one day games. Superiority to the test cricket, inferiority to test cricket, achievement and success over test cricket, popularity among viewers. Mark the right answer. The right answer is popularity among viewers. Third, the man for whom the world is a stage. It refers to the famous cricket field in the world. It means that there are many cricket playing countries in the world it implies that cricketers are like actors and every cricket ground is like a stage on which the drama of cricket is enacted the world over mark the right answer third it implies that cricketers are like actors and every cricket ground is like a stage on which the drama of cricket enacted the world over. working with text name some stick and ball games that you have witnessed or heard of the answer is hockey cricket baseball polo billiards are the few games. The Parsis were the first Indian community to take cricket why The Parsis were the first Indian community to take to cricket as they were in close contact with British because of their interest in trade and the first Indian community to westernize The rivalry between the Parsis and the Bombay Gymkhana had a happy ending for the former What does a happy ending refer to the happy ending refers to the victory of Parsi's team over the Bombay Gymkhana in the game of cricket in 1889, just four years after the foundation of the Indian National Congress in 1885. Do you think cricket owes its present popularity to television? Justify your answer. Definitely, cricket owes its present popularity to television it helps in expansion of its audience as well as popularity to different countries and even in small towns and villages by broadcasting services matches played at one place can be viewed worldwide which resulted in its popularity as well as finance why has cricket a large viewership in india not in china or russia cricket is popular mostly in the colonial countries of british empire not to the sovereign countries india was only the part of british empire not the china or russia therefore cricket has large viewership in india not in china or russia moreover tv companies have created a global market for cricket in india what do you understand by the games cricket equipment things which are necessary for playing the game are games equipment like in cricket, ball, bat, wicket, helmet, gloves, pads are the required things to play the match. How is Test cricket a unique game in many ways? Test game is unique in the sense that even though it is played for 5 days, it ends in a draw. No other modern team sport takes even half as much time to complete. How is cricket different from other team games? Cricket is different from other team games because it goes on for a longer time than any other game. It also has different formats like Test Cricket, One Day International, and T20 matches, and each game takes different time to get completed. Another strange feature of cricket is the playground that it can be of any size. Only the length of the pitch is specified, while in other games the dimension of the playing area is specified. How have advances in technologies affected the game of cricket? After the advancement of technology, players started wearing more protective equipment. The invention of vulcanized rubber made possible the use of pads and gloves. Satellite helped in increase the popularity and audience of cricket. One can now watch live match while sitting at home. Technology also helped in taking fair decision while playing the game. explain how cricket changed with changing times and yet remained unchanged in some ways with the change of time technology get more advanced and players started wearing protective equipments earlier the bat was made of one piece today it ha has separate blade and handle decisions became more fair with motion sensor cameras but still both bat and ball are handmade not industrially manufactured so this completes your chapter we will do the next chapter in our next video. Thank you.